तो वो उसके घर में आने के बाद कुछ दिन बिताते ही सुम्बुल हुई रो रो कर परेशान, आंसू बहाकर किया दिल का दर्द बयां। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस का घर तो ऐसा है कि किसी को भी रोना आ जाए तो सुम्बुल तो एक मासूम सी लड़की है। सुम्बुल रोती नजर आई है कि मैं पूरा दिन इस घर में हिलती हूँ, हंसती हूँ और मजाक करती हूँ तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, बच्ची समझते हैं। अरे मैं बच्ची नहीं हूँ, अगर मैं हंसती हूँ खिलखिलाती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। आप ऐसे कैसे मुझे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं इनको बताऊंगी कि मैं हूँ क्या। तो यहाँ पर उनके साथ दूसरे सदस्य भी मौजूद होते हैं जो ना संभालते नजर आते हैं कि सुम्बुल ऐसा कुछ नहीं है, तुम ख्याल रखो, अगर तुम शुरुआती स्टेज में इस तरीके से टूट जाओगी, रोने लगोगी तो कैसे काम चलेगा, आगे कैसे खेलोगी। तो सुम्बुल कहती है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, और अब मैं बताऊंगी कि सुम्बुल कोई नाजुक सी बच्ची नहीं है, वो यहाँ पर सबक सिखा भी सकती है और अगर वो यहाँ पर खिलखिला सकती है, हंस सकती है तो वेल। इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और देखना होगा कि अब सुम्बुल घर में क्या कुछ कमाल कर दिखाती है।